दोस्तों अगर आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको भी मेरी तरह स्टार्स से भरा नाइट स्काई देखना काफी पसंद होगा। वेल, अब आप अंतरिक्ष टीवी के व्यूअर्स हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपको एस्ट्रोनॉमी काफी ज्यादा पसंद है। बट पॉइंट यहाँ ये है कि क्या आपने कभी रात में स्टार्स से भरे आसमान को देखते हुए ये सोचा है कि क्या होता अगर मिल्की वे गैलेक्सी में कोई स्टार मौजूद ही ना होता तो? मतलब जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा अर्थ जहाँ डे और नाइट दोनों में ही आपको आसमान में अंधेरा दिख रहा हो, जहाँ दिन के समय ना सनलाइट हो और ना ही रात के समय में चमकते हुए तारे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौशिक भाई, भला बिना स्टार्स के भी कोई गैलेक्सी हो सकती है क्या? Well, I know it sounds illogical, but it's true. यूनिवर्स में ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद है जिनमें नॉर्मल गैलेक्सी के कंपैरिजन में स्टार्स ना के बराबर मौजूद है। अब इस तरह की गैलेक्सीज को साइंटिस्ट ने घोस्ट गैलेक्सीज का नाम दिया है और इन गैलेक्सीज की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये गैलेक्सी ऑलमोस्ट 99% डार्क मैटर से बनी हुई है, यानी कि ऐसा इनविजिबल मैटर जो ह्यूमंस के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एंड बिकॉज हम डार्क मैटर को अपनी आंखों से या विजिबल स्पेक्ट्रम में देखने वाले टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, इसीलिए ये घोस्ट गैलेक्सीज भी हम ह्यूमंस के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल होती है, जिसके कारण इन्हें डिस्कवर कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 99% डार्क मैटर से बनी हुई यूनिवर्स की इन घोस्ट गैलेक्सीज के बारे में जानने वाले हैं, जिनमें नॉर्मल मैटर तो ना के बराबर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये एंटायर यूनिवर्स का 15% मास होल्ड करता है। सो वेल, हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। वेल, आपने ये कहावत तो कई बार सुनी होगी। वैसे नॉर्मली हम ये कहावत इंसानों के लिए यूज करते हैं, पर देखा जाए तो ये कहावत यूनिवर्स पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है, स्पेशली जब हम यूनिवर्स के केवल 5% मैटर को ही देख पाते हैं, जिसे वैज्ञानिक बैरियोनिक मैटर भी कहते हैं। अब बैरियोनिक मैटर ऐसे मैटर को कहा जाता है जो बैरियोन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दूसरे एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा 95% हिस्सा ऐसी एनर्जी एंड मैटर से भरा हुआ है जिसके बारे में हम ह्यूमंस आज भी ना के बराबर जानते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की इस 95% भाग को हम देख ही नहीं सकते। अब दोस्तों डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में वैज्ञानिक केवल इतना ही जानते हैं कि डार्क मैटर यूनिवर्स का करीब 25% मास को होल्ड करता है और ये लाइट या फिर बैरियोनिक मैटर से इंटरैक्ट नहीं करता, पर इसके मास के कारण ग्रेविटी की तरह एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है जो ज्यादातर गैलेक्सीज को अपने मास से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि डार्क एनर्जी जो इस पूरे यूनिवर्स में 75% कंट्रीब्यूट करती है वो एक एक्सपेंशन फोर्स की तरह है जो बिग बैंग के बाद से ही यूनिवर्स को लगातार लाइट स्पीड से एक्सपैंड कर रही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वंडरफुल साइट के बारे में बताना चाहूंगा जहां पे मैं एविएटर जैसे कूल गेम्स खेलता हूं। अब मैंने पहले भी बताया है कि इसके ऐप में आपको सबसे पहले बोनसेस और प्रमोशन के बारे में पता चलता है, जहां पे मिलता है 700% का बोनस ऑन द फर्स्ट डिपॉजिट, उसके बाद 200%, फिर 120, देन 180 और उसके बाद 200% फिर से। इनक्रेडिबल राइट? आज मैं आपको क्रिकेट एक्स के बारे में बताऊंगा जो काफी सुंदर और कूल गेम है। इस गेम में आपको बॉल को उछालना होता है और फट जाने से पहले पकड़ना होता है, लेकिन ध्यान रखना फटने से पहले ही कैश आउट पे क्लिक कर देना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो चलो फिर खेलते हैं। मैं 4,500 रुपए लगाता हूँ और बॉल उछला, उछलने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, और यस 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 यस, और इसको यहीं रोक देते हैं। 10,080 रुपए, ग्रेट। फिर से खेलते हैं, 500 रुपए लगा दिए एंड उफ्स, खैर कोई बात नहीं, फिर से खेलते हैं। तो चलो एक बार फिर से 6,000 रुपए लगाते हैं और बॉल उछला, यस 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 यस, वाव वाव वाव, और इसे यहीं रोकते हैं, वाव 13,800 रुपए। अब चलो अपने पैसों को विड्रॉल पे लगा देता हूँ और आ भी गया। तो दोस्तों अगर आप भी गेम खेल के पैसे कमाना चाहते हो तो क्रिकेट एक्स इज योर चॉइस। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भी रजिस्टर करके छोटी डिपॉजिट से ही स्टार्ट करना। वेलकम बोनस 700% अप टू 9,000 रुपए तक का है। एविएटर के अलावा बहुत सारे कूल गेम्स जैसे क्रिकेट एक्स, कैंडी बूम, स्वीट बोनांजा भी आप यहां पर खेल सकते हो। तो रजिस्टर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दोस्तों डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के फर्स्ट एविडेंस हमें साल 1933 में देखने को मिलते हैं, जब एक स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी ने माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी की मदद से कोमा बेरेनिसिस कॉन्स्टेलेशन के सबसे बड़े गैलेक्टिक क्लस्टर कोमा के विजिबल मास को मेजर किया था, जहां ज़्विकी ने पाया कि इस गैलेक्टिक क्लस्टर में इतना मैटर मौजूद ही नहीं है कि उस मास से ये अपने अंदर मौजूद सभी गैलेक्सीज को होल्ड करके रख सके। पर क्योंकि ये गैलेक्टिक क्लस्टर स्टेबल था तो इसे देखते हुए ये अजम्पशन लगाया गया कि यहां पर जरूर कोई इनविजिबल मास मौजूद है।
ज़ुइकी का कहना था कि ये इनविजिबल मास ही कोमा क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज को अपनी एक्स्ट्रा ग्रेविटी से एक ग्लू की तरह होल्ड कर रहा है। अब ज़ुइकी ने इस इनविजिबल मैटर को यहाँ एक जर्मन नाम डंकल मैटेरिया दिया, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन डार्क मैटर होती है। अब इसके 40 साल बाद फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन ने भी कोमा क्लस्टर पर अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद ये प्रूफ कर दिया कि हाइपोथेटिकल सब्सटेंस कहे जाने वाले डार्क मैटर और डार्क एनर्जी रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अब दोस्तों, साल 2013 में प्लैंक ऑब्जर्वेटरी द्वारा पब्लिश किए गए एक डेटा में भी ये सामने आया कि हमारे यूनिवर्स की कंपोजिशन में केवल 4.9% हिस्सा ही ऑर्डिनरी मैटर है, यानी वो मैटर जिसे हम ह्यूमंस देख सकते हैं, जिससे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, इवन हम ह्यूमंस भी बने हैं। लेकिन यूनिवर्स का सबसे बड़ा यानी 95.1% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसमें 26.8% डार्क मैटर है और 68.3% डार्क एनर्जी। दिस मीन्स डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जीज यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि फाउंडेशन है। नाउ जस्ट इमेजिन हाउ सीरियस इट इज कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जिसका ऑलमोस्ट 95% पार्ट ऐसे सब्सटेंस से बना है जो हमारे लिए इनविजिबल है। अब जरा सोचिए, अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जान सके तो ये हमारे यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग को कितना ज्यादा बढ़ा सकता है। वेल, इसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक का तो ये भी मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमें यूनिवर्स के वे ऑफ फंक्शन और इसके बर्थ से जुड़े मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस का भी जवाब दे सकता है। अब देखो, शायद इसीलिए वैज्ञानिक हमेशा डार्क मैटर पर रिसर्च करने के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं। और डार्क मैटर पर रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्पेस में मौजूद घोस्ट गैलेक्सीज, जो कि ऑलमोस्ट 99.99% डार्क मैटर से बनी होती है। और दोस्तों, ऐसी एक घोस्ट गैलेक्सी है ड्रैगनफ्लाई 44, एक ऐसी डार्कनेस से भरी ड्वार्फ गैलेक्सी जहां स्टार्स ना के बराबर मौजूद है। इस गैलेक्सी की डिस्कवरी साल 2016 में एस्ट्रोनॉमर पीटर वैन डॉकम द्वारा लेड येल यूनिवर्सिटी की टीम द्वारा की गई थी, जिसके लिए उन्होंने एक खास तरह के जुगाड़ से बनाए टेलीस्कोप का यूज किया था। वेल, क्योंकि इस गैलेक्सी की सरफेस ब्राइटनेस इतनी डिम है कि इसे नॉर्मल टेलीस्कोप से कैप्चर ही नहीं किया जा सकता था, और इसीलिए इस गैलेक्सी की डिस्कवरी के लिए कई टेलीस्कोप को जोड़कर बनाया गया था, जो दिखने में किसी इंसेक्ट की आंख की तरह लग रहा था। इसीलिए इसे ड्रैगनफ्लाई टेलीस्कोप नाम दिया गया और इससे डिस्कवर की गई ड्वार्फ घोस्ट गैलेक्सी को ड्रैगनफ्लाई 44 नाम दिया गया। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि ड्रैगनफ्लाई 44 गैलेक्सी के स्टार्स नंबर का कंपैरिजन अगर मिल्की वे से किया जाए तो ड्रैगनफ्लाई 44 से मिल्की वे गैलेक्सी के कंपैरिजन में हर 100 स्टार्स की जगह केवल एक स्टार मौजूद है, जिसके कारण इस गैलेक्सी का विजिबल मास इतना कम है कि ये काफी आसानी से अपने चारों ओर मौजूद गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल फोर्स में टूटकर आसानी से बिखर सकती थी। पर इसके बावजूद ये गैलेक्सी आज भी सही सलामत है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पर कोई ऐसा मैटर जरूर मौजूद है जो भले ही हमें टेलीस्कोप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी ग्रेविटी ने इस पूरी गैलेक्सी को होल्ड करके रखा है। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर इस गैलेक्सी में कोई एलियन सिविलाइजेशन रहती होगी तो उन्हें अपने प्लैनेट के आसमान का नजारा कैसा दिखता होगा, जहाँ रात के आसमान में कोई भी स्टार्स नहीं दिखता है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी बिना स्टार्स के नाइट स्काई को देखना चाहते हैं तो आपको 330 मिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस को कवर करके ड्रैगनफ्लाई 44 गैलेक्सी तक पहुंचना होगा, जिस डिस्टेंस को लाइट को भी कवर करने में 330 मिलियन साल लग जाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास लाइट स्पीड से चलने वाला कोई स्पेसक्राफ्ट तो है नहीं, तो हमें यहाँ तक जाने में और भी ज़्यादा समय लगेगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे फास्ट स्पेसक्राफ्ट में से एक न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की 58,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट पर बैठकर ड्रैगनफ्लाई 44 गैलेक्सी तक जाते हैं तो आपको इस सफर में 6-7 ट्रिलियन साल लग जाएंगे बस। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जब वैज्ञानिक किसी गैलेक्सी के मास को मेजर करते हैं तो उसके लिए उन्हें उस गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की मूविंग स्पीड को मेजर करना होता है, और इसमें यही देखा जाता है कि जिस गैलेक्सी में जितना ज्यादा मास होता है उसमें स्टार्स की मूविंग स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब जब वैज्ञानिकों ने माउना किया ऑब्जर्वेटरीज में स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से ड्रैगनफ्लाई 44 गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की मूविंग स्पीड को मेजर किया तो वो काफी शॉक रह गए, क्योंकि इस गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की मूविंग स्पीड ऑलमोस्ट मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की मूविंग स्पीड के बराबर थी।
जिससे ये रिजल्ट निकल कर आया कि ड्रैगन फ्लाई 44 गैलेक्सी में ह्यूज अमाउंट ऑफ इनविजिबल डार्क मैटर मौजूद है, जो इस ड्वार्फ एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी दिखने वाले गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी की ऑलमोस्ट इक्वल मास प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA बैंगलोर के वैज्ञानिकों ने भी फ्रांस के साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन में इसी तरह की एक घोस्ट गैलेक्सी की डिस्कवरी की। अब इस अल्ट्रा डिम ड्वार्फ गैलेक्सी को UVIT J2022 नाम दिया गया, जिसकी डिस्कवरी इसरो के अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर टेलीस्कोप एस्ट्रोसेट से कलेक्टेड डेटा से की गई है। अब ये गैलेक्सी एक्सट्रीमली फेंट है, जिसके कारण कुछ लोग इसे डिफ्यूज गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं, और ये गैलेक्सी अर्थ से करीब 136 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। 2021 तक वैज्ञानिक मिल्की वे गैलेक्सी के पास ही ऐसी कई घोस्ट गैलेक्सीज ढूंढ चुके हैं जिनमें डार्क मैटर परसेंटेज नॉर्मल गैलेक्सी से 10 गुना से भी ज्यादा है। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ गैलेक्सीज के एग्जाम्पल है सजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी, द कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी एंड द उर्सा माइनर ड्वार्फ गैलेक्सी। हालांकि इन गैलेक्सीज में मौजूद हाई अमाउंट ऑफ डार्क मैटर को देखते हुए वैज्ञानिक सोचते हैं कि हो सकता है कि गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के समय इन गैलेक्सीज में नॉर्मल मैटर की अच्छी मात्रा मौजूद था, लेकिन यूनिवर्स के फॉर्मेशन के कुछ मिलियन साल बाद बनी इन गैलेक्सीज में फॉर्म हुए बिग यंग स्टार्स से निकलने वाले पावरफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ने यूनिवर्स की इन ओल्डेस्ट गैलेक्सीज में मौजूद ज्यादातर नॉर्मल मैटर को बाहर धकेल दिया, जिसके बाद इसमें केवल और केवल डार्क मैटर ही मेजॉरिटी में बच गई। लेकिन चाहे जो भी हो, पर अब ये गैलेक्सी इस यूनिवर्स का एक ऐसा रीजन है जो डार्क मैटर नाम के इस अननोन मैटर का सबसे बड़ा कंटेनर है। इसीलिए अपने स्मॉल एंड डेंस साइज के बावजूद ये घोस्ट गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स के मास में करीब 15% तक कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देयर इज सो मच टू नो अबाउट, क्योंकि 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स पीटर वैन डॉकम ने यूनिवर्स में एक और नई तरह की स्ट्रेंज गैलेक्सी को डिस्कवर किया है। ये भी एक अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी है जिसे NGC 1052 DF2, शॉर्ट में DF2 नाम दिया गया है। अब ये गैलेक्सी अर्थ से 61.97 मिलियन लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर मौजूद है। इस गैलेक्सी की स्पेशलिटी ये है कि इसमें डार्क मैटर बिल्कुल ना के बराबर मौजूद है, जो कि वैज्ञानिकों की गैलेक्सी फॉर्मेशन की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देती है। क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों को लगता था कि यूनिवर्स में गैलेक्सी फॉर्मेशन का की इंग्रेडिएंट डार्क मैटर होता है, पर NGC 1052 DF2 हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं गैलेक्सी फॉर्मेशन को लेकर हमारी ये नॉलेज गलत तो नहीं है। वेल, आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी सारा नॉलेज मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।